बजे आ रहे हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए हमने बहुत सारी रेसिपीज बनाने की सोची है जो मैं आपके साथ, मैं वैसे तो मैं हर साल बनाती हूँ, काफी साल हो गए हमें यहाँ पे नवरात्रे करते हुए, बट कभी मौका नहीं मिला कि रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज यूट्यूब के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू हम अपनी रेसिपीज आपके साथ शेयर करने का जो मौका मिला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं हम नवरात्रों में कैसी रेसिपीज बनाते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन और नो ऑनियन, नो जिंजर गार्लिक, नथिंग, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे 9 दिन का पूजा होता है, फास्टिंग होती है और हम करते हैं माता की चौकी। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी, मेरी ये रेसिपीज थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो फिर आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आगे आप हमारे ब्लॉग्स में हमारी रेसिपीज के बारे में और हम क्या क्या करते हैं नवरात्रों में, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपसे हमारी सारी ज्यादा जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सके। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सितीशा, थैंक यू। आ रहे 17 अक्टूबर से हमारे घर में थोड़ी सी सफाई और किचन की सफाई, इन सब चीज़ों की सफाई करने के बाद हम जो रेसिपीज बनाएंगे वो तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, बट अभी आज के लिए जो रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं वो भी है झटपट सा। मैं एक्चुअली झटपट रेसिपी इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब रेसिपीज देखे उसमें टाइम टेकिंग लगता है, झटपट तो होता है बट हमारे पास कभी कभी इस लॉकडाउन के दौरान कभी किसी सोसाइटी में अगर आपका कोरोना निकल जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आपका सोसाइटी लॉकडाउन में चला जाता है, तो हम लोगों को जनरली इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाता है इस लॉकडाउन के दौरान, सारे इंग्रेडिएंट्स तो अवेलेबल नहीं हो पाते, और अगर हो भी जाते हैं तो हमारे पास अभी जैसे कि आपकी ऑनलाइन स्टडीज है बच्चों की, हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे घर में अभी चल रहे हैं और हम कितने सारे घरों में तो मेड ही नहीं अवेलेबल हो पा रही है, जैसे कि अब एट प्रेजेंट मेरे घर में मैं मेड नहीं बुला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर, आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे 99% डर तो है कि कोरोना कहीं से भी आ सकता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप जितने से जितना हो सके आप कोरोना के जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वॉशिंग हैंड्स है, ये सब कुछ आप फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम आप खुद से अपने हाथों से करिएगा, ताकि सफाई हाइजीनिक तरीके से हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ रह सकें। तो गाइस अभी जो हम शेयर करने जा रहे हैं रेसिपी वो तो आपको अभी वीडियो क्लिक करते ही आ जाएगा, और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको नवरात्रि के कुछ भी हमारे चैनल में इंटरेस्टिंग देखना है, जैसे कि फूड ब्लॉग्स में आपको क्या क्या रेसिपीज और झटपट तरीके से बनने वाली रेसिपीज आपको देखनी है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा खाने पर बिलीव करती हूँ, एक टाइम पर मेरा वेट 95 क्रॉस कर गया था बट अभी उसको मेरा वेट 58-57 के आसपास है। तो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी कैसे करी थी ये मैं अभी तो नहीं शेयर करूँगी बट आगे वीडियोस में जरूर शेयर करने की कोशिश जरूर करूँगी, इसलिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।